हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो जो सोमवार को आप लोगों का टेस्ट लिया गया था भूगोल का, चैप्टर नंबर 14 और 15 का, नाइन्थ क्लास का, तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन में आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो हो रहा है। और वो कंफ्यूजन क्या है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज का सॉल्यूशन जो है वो आपको मिलना चाहिए। तो कई बार आप लोग जो है वो गलत कह देते हैं, या आप लोग गलत कमेंट भी करते हैं, और कई बार मेरी तरफ से भी गलत जो है वो हो जाता है। तो चलिए, हमें तो आंसर जो है वह सही पता होना चाहिए। क्वेश्चन 12 था, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली दुधारू पशुओं हेतु प्रसिद्ध घास कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सेवन, धेवन, धामन और उपरोक्त सभी थे। तो आप लोगों का ही कहना है कि ये क्वेश्चन जो है वो, इसका आंसर जो है वो धामण नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आंसर बिल्कुल यही सही है, धामण घास, जो कि जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध घास है। इसके अलावा जो सेवन घास है वो सभी पशुओं के लिए पौष्टिक होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन 18 है, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, इन चारों में आंसर जो है वो मेरे द्वारा क्या लगाया गया था, पर्वतीय क्षेत्र नहीं होगा, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों के द्वारा ही आंसर जो है वो बताया गया था, तो बहुत सही है। क्वेश्चन 32 देखिए, मानसून वापसी काल किस ऋतु से संबंधित है। तो सभी बच्चों के इसमें आंसर बिल्कुल सही था, जिन्होंने शरद ऋतु जो है वो लगाया था। ठीक है, तो शरद ऋतु जो है वही इसका सही उत्तर होगा। तो अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, हमें क्वेश्चन के सही आंसर जो है वो पता होने चाहिए, कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से इन तीन क्वेश्चन में ही डाउट था, अब आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।